नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज़। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की ओर। स्वतंत्रता दिवस पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सद्भावना वाहन रैली का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें शहर भर के युवा बुजुर्ग बच्चे शामिल हुए। नॉन पॉलिटिकल रैली का मकसद है कि हिंदुस्तान में सद्भावना बनी रहे। औरत लोग 15 अगस्त 26 जनवरी पर बड़ी रैली और कार्यक्रमों का आयोजन करते रहे। वही रैली आए मुख्य अतिथि ने कहा कि जिस तरह आर्मी में रेजिमेंट सभी के नाम पर है, उसी तरह हम भारत सरकार से गुजारिश है कि एक मुस्लिम समाज के नाम भी रेजिमेंट हो या पठान रेजिमेंट के नाम से हो, मुस्लिम युवा इसमें निःशुल्क जुड़ेंगे और अपनी सेवाएँ देंगे। इस रैली का आयोजन जावेद अशरफ ने किया और इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। भोपाल से संवाददाता उमेर खान की रिपोर्ट। इंकलाब जिंदा। हम सबका है और हम सबको प्यार और मोहब्बत के साथ मिलजुल करके इस मुल्क में दिवस को 75 साल मुकम्मल हो गए। इसके मौके पर मैं पूरे देशवासियों को, भोपाल वासियों को और इस रैली में, इस भीगती बारिश में अपनी मोहब्बत का परिचय देते हुए शामिल हुए सभी हजरात का मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इन्होंने दिखा दिया कि नॉन पॉलिटिकल रैली में अपनी गाड़ियों में आकर के भीगते पानी में शरीक होकर के अपनी मोहब्बत का परिचय दिया है। जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने मिलकर के देश को आज़ाद कराया, आज भी इस गंगा जमनी तहजीब को कायम रखते हुए सब ने इस रैली में हिस्सा लिया। मैं सबको जो है मुबारकबाद देता हूँ और ये हर साल इसी तरह रैली जो है का आयोजन किया जाएगा और पूरी टीम को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ कि इस रैली को इसी तरह जो है हम हर साल जो है जारी रखेंगे और सब रैली में आए हुए लोगों का मैं फिर से स्वागत करता हूँ। युवा में खासा सिख रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, पंजाब रेजिमेंट है, राजस्थान राइफल्स है, एक इस्लाम रेजिमेंट या पठान रेजिमेंट की भी स्थापना इंडियन आर्मी को करनी चाहिए और हमारे सारे मुस्लिम भाई, हमारे मुस्लिम नौजवान बिना सैलरी के भी उस आर्मी के लिए साथ काम करने को तैयार है और हम चाहते हैं कि पठान रेजिमेंट को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाया जाए। हम जो हमारे BSF और आर्मी के सीने पे पाकिस्तानी और चाइनीज गोली मारते हैं, वो गोली हमारे नौजवान और हम अपने सीने पे झेलने को तैयार हैं। हमारी भारत सरकार से गुजारिश। ऐसी खबर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।